नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हरियाणा। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल डहीना में एक अनोखे तरीके से मनाया गया है 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे। बताया जाता है कि यहां पर वैलेंटाइन डे माता पिता पूजन दिवस के रूप में भी मनाया गया है। इसी दिन एक साल पहले हमारे पुलवामा हमले में हमारे बहुत सारे सैनिक शहादत हुई थी, तो उनको भी याद किया गया। यहाँ पर आए हुए सभी पेरेंट्स और अतिथियों को सत्कार किया गया और साथ में उनका अभिनंदन भी किया गया। बाहर से आए हुए सभी लोगों ने बहुत कार्यक्रम की बहुत सराहना की। प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि यहाँ पर हमने इस कार्यक्रम का इसलिए शुरुआत किया है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पश्चिमी देश मनाते हैं, लेकिन हमने हमारी संस्कृति को नहीं भूल सकते और हमारी संस्कृति को हमने नए अपने अच्छे तौर तरीके से सामने प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर नई संस्कृति और संस्कार उत्पन्न लाने के लिए भजन का भी प्रयोग। जाना था तने इतना बड़ा स्थूल बनाया नमस्ते जी। मैम, आज का जो प्रोग्राम किया है, किस तरह का प्रोग्राम? आज 14 फरवरी वैसे मातृ पितृ पूजन दिवस भी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती भी चल रही है, तीसरा वैलेंटाइन डे भी है, लेकिन वैलेंटाइन डे ये पाशा संस्कृति को दर्शाता है और मातृ पितृ पूजन दिवस है ये भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। तो बच्चों में संस्कार और संस्कृति के बीज उत्पन्न करने के लिए हमने ये आयोजन किया है और इसमें हर पेरेंट्स और हर स्टूडेंट बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इन सभी पेरेंट्स और स्टूडेंटों का मैं तय दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं बच्चों के अंदर, जो आज जैसे कि आज आपने प्रोग्राम करवा रखे हैं, इस तरह से आप शुद्ध विचार जो है सांस्कृतिक विचार आप प्रस्तुत करवा रहे हैं? मैं समाज को, छात्रों को और पेरेंट्स को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि आज समाज बहुत ज़्यादा दूषित होता जा रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल से चिपके हुए रहते हैं। इन बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए केवल हमारी भारतीय संस्कृति ही है जो इन संस्कारों को बचाए रखती है। इसीलिए हमने मातृ पितृ पूजन दिवस रखा है और बच्चों में ये संस्कार पड़े कि सुबह उठते ही बच्चे अपने माता पिता के चरण छुएँ और अपने माता पिता का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।